तो आज हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिलीमीटर मेक्स अ मीटर, 1 मीटर, कितने मिलीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100। देखो सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, उसके बाद होती है मीटर, उसके बाद मिलीमीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। ठीक है, सबसे बड़ी क्या होता है? किलोमीटर, फिर मिलीमीटर, मीटर सॉरी, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। ठीक है, हम दूर की यूनिट को, हम सबसे बड़ी यूनिट को हम किलोमीटर में नापते हैं, फिर मीटर में, फिर मिलीमीटर सेंटीमीटर में, और सबसे छोटे को मिलीमीटर्स में। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। कितने वन पर? लेकिन हमें 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो भाई 1 मिलीमीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर होंगे, मीटर होंगे सॉरी, 100 × 10, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू मीटर जाएंगे 100, और 10 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, तो 1000 मिलीमीटर होंगे। कितने होंगे? 1000 मीटर्स। ओके।